सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग बनाने वाले हैं सहजन की रेसिपी, जिसे कि मुनगा भी कहा जाता है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो इसके लिए सबसे पहले मुनगा ले और इसके साइड्स काट ले और इसे थोड़ा लंबा लंबा काट ले। और अब चाकू से इसे अच्छे से छील ले। तो इसी तरीके से बाकी सारे को भी काट ले। तो ये देख सकते हैं सारे हमने काट लिए हैं। अब एक बर्तन ले और उसमें पानी गरम कर दे और उसमें मुनगा को डाल दे और इसे 4 से 5 मिनट तक पका ले। तो ये अभी अच्छे से पक चुका है, अब इसे निकाल ले। तो अब एक मिक्सर जार ले और उसमें सरसों डाल दे, अदरक डाल दे और टमाटर डाल दे। और इसे ग्राइंड कर ले। अब इसे एक बर्तन में निकाल ले और उसमें हल्दी, मीट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, गोलकी पाउडर, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दे और इसे मिक्स कर ले। तो अब एक कढ़ाई ले, उसमें तेल डाले और इसमें मुनगा डाले और इसे 3 मिनट तक फ्राई कर ले। तो ये फ्राई हो चुका है, अब इसे एक प्लेट में निकाल ले। तो अब उसी कढ़ाई में तेल डालें, उसे गर्म होने दें। गर्म होने के बाद उसमें जीरा, सरसों और हींग डाल दें और फिर प्याज डाल के इसे थोड़ी देर तक फ्राई होने दें। फ्राई होने के बाद जो हमने टमाटर का पेस्ट डाला था उसे इसमें डाल दें और इसे थिक होने तक पका ले। और इसमें मिर्ची भी डाल दे। ठीक हो चुका है, अब इसमें मुनगा डाल दे और अच्छे से मिक्स कर ले। अब इसमें पानी डाल दे और इसे अच्छे से मिक्स कर ले। और अब इसे 10 से 15 मिनट तक पका ले। दस से 15 मिनट हो गया है, अब इसमें बटर डाल दे और इसे पिघलने दे। तो ये अच्छे से पिघल चुका है, अब ये सब्जी रेडी है। अब इसे एक बर्तन में निकाल ले और अब ये हमारा रेसिपी रेडी है। If you like this video, please give me a thumbs up and do subscribe my YouTube channel, Easy Lifestyle. Bye!